नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बेटा, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर। इस मीटर के द्वारा हम पावर को मेजर करना सीखेंगे कि आपका इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर के द्वारा हम पावर को किस प्रकार से मेजर करेंगे, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाले हैं इससे, ये किस किस क्वांटिटी को आपको मेजर करने वाला है। तो जल्दी से लाइव आ जाएं और बढ़ते हैं इसी सेशन के आगे की ओर, क्योंकि इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल, एक बार सेशन को जितने बच्चे आ चुके हैं दबाकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज थोड़े क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मीटर है और काफी लंबा चौड़ा मीटर कहते हैं इसे, क्योंकि इस मीटर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो निकलने वाले हैं। क्योंकि अकेला आपका इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर जो है उससे हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं और पावर को भी मेजर कर सकते हैं। तो तीन क्वांटिटी आपको मेजर करने वाला आज अपन जो मीटर है वो डिस्कस करेंगे, एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक। साथ साथ में इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उन्हीं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं आगे की ओर। आगे हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर। इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर, डायनमो टाइप वॉट मीटर। इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर जो होता है, पहले तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर जो है वो आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करने वाला है। किस सप्लाई पर कार्य करेगा? एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। चलिएगा एरो डाल के लिख दीजिएगा यहां पर फटाफट कि इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता है, दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। दूसरा हम बात करें ये एसी और डीसी सप्लाई के आपके क्या क्या मेजर करने वाला है, चलिएगा उसके बारे में भी देखते हैं। तो याद रहे इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर तीन क्वांटिटी को मेजर करने वाला है, आपकी करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा और साथ साथ में वॉट मीटर है तो बेटा ये पावर को भी मेजर करता है। चलिएगा एरो डाल के लिखिएगा इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर, नीचे एरो डाल के लिखिएगा इसमें कि इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वाट मीटर। बेटा याद रहे करंट क्या क्या मेजर करता है, करंट मतलब धारा को मापेगा, वोल्टेज कोमा पावर मतलब शक्ति को मेजर मतलब मापता है। तीनों क्वांटिटी को मापता है, मतलब कहने का कि ये जो इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर है ये आपका एमीटर भी बनेगा, या हम बनाएंगे इसको बेटा, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपका बनाया जाता है। इसे हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, साथ साथ में इसे हम वॉट मीटर भी बनाएंगे। और साथ में आपको बेटा ये मैं आपको किस प्रकार से बनता है इसके साथ साथ में आपको मीटर भी दिखाया जाएगा कि कनेक्शन हम जो है वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि एक वॉट मीटर के जो कनेक्शन होते हैं वो थोड़े से अलग मीटरों से हटके होते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो कोयलें होती है वो दो कोयल यूज की जाएगी। एक तो आपकी करंट कोयल होती है जिसे हम प्रेशर कोयल के नाम से जानते हैं, और दूसरी आपकी मूविंग कोयल होती है। इस मीटर का जो डायग्राम अगर बात करें तो बेटा आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दिया गया है, हम एक अलग लेवल से बनाकर इस चीज को समझेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कर पाएं।
तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपको नोट करना है कि इलेक्ट्रोडायनामोटाइप वॉट मीटर के अंदर आपकी दो कॉइलें लगी होती है। एक कॉइल होती है प्रेशर कॉइल, दूसरी कॉइल आपकी मूविंग कॉइल होती है। दोनों कॉइलों के नाम आप इसी प्रकार से याद रखोगे। देखिएगा तो यहां पर पहले तो नोट करते हैं, फिर इनको बना के देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोडायनामोटाइप वॉट मीटर है वो बनता कैसे है। बिल्कुल, तो देखिएगा यहां एरो डाल के लिखिएगा कि इलेक्ट्रोडायनामोटाइप वाट मीटर में दो कॉइल यूज की जाती है। अगर इन दोनों कॉइलों के बारे में अगर आपको पता चल गया तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इस मीटर को अगर हमने ध्यान से देखा ना तो आगे चल के जो भी हम मीटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो मीटर आएगा वो इंडक्शन टाइप वॉट मीटर आएगा, फिर हमारा डीसी का मीटर आएगा कि डीसी की एनर्जी को मेजर, डीसी की पावर को मेजर करने के लिए मीटर हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल जो डीसी की पावर को मेजर करे, ये तो एसी और डीसी दोनों को कर रहा है। फिर हम ऐसा मीटर भी डिस्कस करेंगे जो आपका एनर्जी को मेजर करता हो। तो उन सभी में अगर अपन बात करें तो बेटा ये अगर मीटर बनाना हमने सीख लिया, ये दोनों कॉइल अगर सीख ली, तो बेटा आगामी मीटर में जब भी हम बात करेंगे तो उनमें भी ये दो कॉइलें ही यूज होने वाली है, बस आपका नाम चेंज होने वाला है, नाम अलग हो जाएगा, वर्किंग आपका जो है वो आपका सेम रहेगा। तो बेटा इस मीटर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि दो कॉइलें यूज की जाती है। पहली कॉइल को तो आप लिख सकते हैं प्रेशर कॉइल, और दूसरी जो कॉइल होती है ये होती है आपकी मूविंग कॉइल। इस प्रेशर कॉइल का बेटा दूसरा नाम भी आपका होता है, प्रेशर कॉइल का जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं करंट कॉइल भी कहते हैं। आपको याद रहे तो करंट कॉइल भी याद रखिएगा, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको दोनों याद रखना, करंट कॉइल को प्रेशर कॉइल कहते हैं, प्रेशर कॉइल को करंट कॉइल कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है कि वो करंट कॉइल दे देगा, प्रेशर कॉइल नाम नहीं दिया, अगर प्रेशर कॉइल दे दिया करंट कॉइल नहीं दिया तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मूविंग कॉइल को हम बोलते हैं, ये तो हो गई मूविंग कॉइल को बोलते हैं हम, वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं फिक्स कॉइल के नाम से भी जानते हैं, फिक्स्ड कॉइल के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों कॉइलों को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मीटर बनेगा कैसे। बिल्कुल बढ़े आगे की ओर, आप यहां तक जल्दी से नोट करिएगा पहले तो, क्योंकि ज्यादा चीजें हमने अभी नोट नहीं की है। पहले हम बात करेंगे प्रेशर कॉइल की। सुनिएगा प्रेशर कॉइल होती क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती है, और फिर हमारा मीटर कैसे बनता है। बिल्कुल बेटा, तो देखिएगा हेडिंग डालिए आप सबसे पहले प्रेशर कॉइल। हमने कहा कि एक नंबर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रेशर कॉइल, कौन सी, प्रेशर कॉइल, इसे हम कहते हैं करंट कॉइल। अब देखिएगा मेरे को एक चीज बताइए, इसमें प्रेशर कॉइल को करंट कॉइल कहते हैं, ये जो करंट वर्ड जहां पर भी आपको मिल जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका करंट को मेजर करने के लिए काम आ रहा है। प्रेशर कॉइल क्या आ रही है, इसे करंट कॉइल के नाम से जानते हैं, मतलब ये करंट को मेजर करने के लिए काम आएगी। जब ये हमारी करंट को मेजर करने के लिए काम आती है तो हम कहते हैं कि करंट को मेजर करने वाला मीटर कौन सा होता है। बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, करंट को मेजर कौन सा मीटर करता है। तो आप कहोगे सर करंट को जो मेजर करता है वो हमारा एमीटर करता है, और एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो एमीटर को लगाया जाता है आपका सीरीज क्रम के अंदर। तो उसी प्रकार हमारी जो करंट कॉइल होती है ये लोड के श्रेणी क्रम में लगी होगी, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका बहुत कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम इस कॉइल को किस प्रकार से बनाते हैं, चलिएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल सभी बच्चों को गुड इवनिंग, ज्यादा से ज्यादा सेशन को बेटा, इस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बनाना है हमें, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा बिटू शर्मा, सीरीज में एमीटर के द्वारा हम करंट को मेजर करते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यहां है, हमें प्रेशर कॉइल बनाना है। प्रेशर कॉइल का मतलब आप याद रखिएगा करंट कॉइल से। अब करंट कॉइल जो है
करंट मापी किससे जाती है? तो आप कहोगे सर करंट मापी जाती है हमारी एमीटर से, और एमीटर लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां पर आप कहोगे, एरो डाल के लिखिएगा सबसे पहले, कि करंट कॉइल को या प्रेशर कॉइल को, कुछ भी लिखिएगा, करंट कॉइल को लोड के सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। बिल्कुल। अब आप बताइएगा, जब हमारी करंट कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़ रही है तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आप यूं बताइएगा, एमीटर भी तो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आपको कि सर बिल्कुल एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? आदर्श एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला जरूर होगा। बिल्कुल, रेलवे वैकेंसी जल्दी आने वाली है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं है, आप फोकस कीजिएगा पढ़ाई पर, क्योंकि अभी जो वैकेंसी के अभी नोटिफिकेशन थोड़े थोड़े रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे आपको भी पता चल चुका होगा, थोड़े टाइम के बाद में हमारी वैकेंसीज आने वाली है, आप तैयारी में जुटिएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमें अगर टेक्निकल और मैथ के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा टेक्निकल और जो मैथ है इसे कम से कम हमें 4 मंथ चाहिए, जब जाके हमारा स्ट्रांग हो सकता है ये दोनों सब्जेक्ट, है ना। तो जब भी वैकेंसी आएगी तो बेटा बहुत कम आपको टाइम मिलने वाला है पिछली बार की तरह। तो उस टाइम अगर वैकेंसी आने के बाद में अगर हम टेक्निकल पढ़ें और मैथ पढ़ें तो बेटा बहुत क्या हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा नहीं, और हमें रिवीजन करने का भी तो टाइम चाहिए। तो बेटा अभी आप मेहनत कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, अपने फोकस रखिएगा टेक्निकल और मैथ के सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। जब भी अगर इस बार वैकेंसी आए तो एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाए कि इस बार एक सीट हमारी है। बिल्कुल। तो अब देखिएगा, बिल्कुल यहां पर सुनील कुमार कोहली की सीरीज में एमीटर लगाते हैं, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। तो यहां से हम बात करें, करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और बेटा मेरे को यूं बताइएगा, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा? आपको सर मिनिमम, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आपको कि सर बहुत कम होता है। बिल्कुल, जब हमारा एमीटर का आइडियल एमीटर का 0 होता है। आपको क्या बता दें, अच्छा साइको टेस्ट के बारे में, बिल्कुल बेटा मैं बताऊंगा आपको साइको टेस्ट के बारे में, बेफिक्र रहिएगा बिटू शर्मा, हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे। एक दिन आपके लिए स्पेशल, आपको साइको टेस्ट के बारे में, कितने आपके टेस्ट होने वाले हैं, कितने आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे, कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं कि करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो हम इसे बनाएं कैसे? बिल्कुल, अब देखिएगा मोनिका, बिल्कुल गुड इवनिंग। अब देखिएगा यहां मेरे को यूं बताइए कि करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम करना है, इसे बनाएं कैसे? तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, ये प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब अगर किसी कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। मतलब ये जो आपका कंडक्टर होता है, इसे कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी मान रखी है एल, सुनिएगा, अब हम बनाएं कैसे इसको, किसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, ये लेंथ होगी एल, ये जो आपका कटा हुआ भाग होता है ना, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। अब बेटा मेरे को एक चीज बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि हमने कहा कि करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बेटा बहुत कम बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि लंबाई को कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाएगा। अगर हम बात करें एरिया को बढ़ा दें तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें तो रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या किया जाए, कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, लंबाई को घटाना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, सॉरी एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस फिर घटेगा। मतलब हम कहेंगे जो करंट कॉइल जो होती है इसे मोटे तार कम टर्न का हम बनाएंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाए। तो लिखिएगा करंट कॉइल को
करंट कोइल को मोटे तार, थिंक वायर, मोटे तार कम टर्न का बनाया जाता है, कम टर्न का बनाया जाता है। बिल्कुल, अब बेटा कम टर्न का बनाएंगे और मोटे तार से बनाएंगे, टर्न जब आपके कम होंगे तो बेटा कम टर्न का मतलब ये होता है कि आपने एक या दो टर्न ही लेना है और ये जो वायर है ये आप मोटा ले लोगे। जब आप इसका वायर मोटा लोगे तो बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या करेगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, घट जाएगा। लंबाई हमारी कम कैसे हो गई, जब हमने टर्न ही बहुत कम लिया है, टर्न कम लिया है तो लंबाई घट गई, रेजिस्टेंस घट गया, तो हमारी करंट कोइल कैसे बनी होती है, तो करंट कोइल बनी होती है बेटा मोटे तार और कम टर्न से बनी होती है। बिल्कुल, अभी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े। मैंने कहा सर ये तो हमने पढ़ लिया कि करंट कोइल हमारी बनती कैसे है, करंट कोइल जोड़ी कहां जाती है, करंट कोइल आपकी एमीटर के समान होती है, बस इतना याद रखना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट कोइल की जगह हम एमीटर काम में भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, एरो डाल के लिखिएगा कि इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉटमीटर में करंट कोइल के स्थान पर या जगह एमीटर भी काम में लिया जा सकता है, एमीटर भी काम में लिया जा सकता है। अब देखिएगा, अब हमारी करंट कोइल तो बेटा बन गई है, अब हम मूविंग कोइल और बना लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाएगा, मूविंग कोइल अगर हमने बना ली फिर हम मीटर को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वो आपका पावर कैसे मेजर करता है, वो करंट कैसे मेजर करता है, वो वोल्टेज कैसे मेजर करता है। हेमराज बेरवा, बिल्कुल बेटा, अभी तो बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है, आगे आपका बहुत लंबा सब्जेक्ट जो है पावर सिस्टम मशीन, जो ये सब्जेक्ट है ये बचे हुए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आपका सेल एंड बैटरी पड़ा है, मैग्नेट भी पड़ा हुआ है, मशीन पूरी पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि वैकेंसी से पहले पहले इन सब्जेक्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और आप सभी को पता है कि अगर आपने पॉलिटेक, बीटेक या आईटीआई कर रखा है तो ये सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में आता है, जिसका वेटेज जो है वो 60% है। आप कौन सा पेपर को उठा के देख लीजिएगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल जो आपकी ब्रांच है वो 60% क्वेश्चंस लेके बैठी हुई है। तो बेटा अगर आपको नौकरी लगना है, टारगेट है कि हमारा नौकरी लगने का, तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बिल्कुल, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर ये करंट कोइल हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर कोइल की, अब हम बात करेंगे मूविंग कोइल की, जो हमारी फिक्स कोइल होती है। चलिएगा मूविंग कोइल के बारे में बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिएगा थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है मूविंग कोइल। अब देखिएगा मूविंग कोइल के बारे में बात करते हैं, मूविंग कोइल, मूविंग कोइल को ऐसे समझिएगा कि ये एक वोल्टमीटर है। मूविंग कोइल को कैसे समझना है, ये एक हमारा वोल्टमीटर है। अब यूं बताइएगा, वोल्टमीटर जो होता है वो लोड के किस क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल बेटा, तो इस सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है ना हेमराज। अब मेरे को यूं बताइएगा, वोल्टमीटर लोड के किस क्रम में जोड़ा जाता है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। जितने बच्चे वॉचिंग पे चल रहे हैं सारे के सारे कॉमेंट करके बताएंगे कि हमारा वोल्टमीटर जो होता है वो लोड के किस क्रम में लगाया जाता है। तो आपको कि सर पैरेलल में लगाया जाता है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार हमारी जो मूविंग कोइल होती है ये लोड के पैरेलल में लगी होती है। मूविंग कोइल का मतलब इतना समझिएगा, ये एक वोल्टमीटर है। तो हम यहां कहेंगे कि मूविंग कोइल लोड के पैरेलल
हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर में लगी होती है, में लगी होती है। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे को यूं बताइएगा, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? बिल्कुल बिट्टू शर्मा सही है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आपको कि सर बहुत ज्यादा होता है, आदर्श में तो हम इंफिनिटी लेते हैं, है ना, आदर्श में हम क्या लेते हैं? सुनील कुमार बिल्कुल समांतर क्रम में लगता है। अब हम बात करें कि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको कि सर आदर्श वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है, लेकिन प्रैक्टिकल का मैक्सिमम होता है। तो हमने कहा कि यहां पर जो आपने मूविंग कॉइल यूज की है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, नोट करेंगे कि मूविंग कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मूविंग कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा हिंदी में बोलते हैं इसे आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अब यूं बताइएगा बहुत अधिक होता है, आपने बेटा मैंने करंट कोइल आपको बनाना सिखाया था, तो बेटा उसमें क्या किया था, रेजिस्टेंस कम था तो उसको बनाया हमने मोटे तार कम टर्न का। तो बताइएगा इस कोइल को हम कैसे बनाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। तो आप कहोगे सर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के किसी चालक की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सुनिएगा व्युत्क्रमानुपाती, हाँ बिल्कुल बिट्टू शर्मा, पतला तार होता है, बिल्कुल अनंत होता है। सुनील कुमार रेजिस्टेंस आपका अनंत होता है वोल्टमीटर का ना, आइडियल वोल्टमीटर का। अब देखिएगा यह आपका कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर की जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ है हमारी एल, लेंथ कितनी है आपको कि सर एल, और ये जो कटा हुआ भाग होता है ना बेटा, जब भी आप चालक तार को देखते हो तो आगे से आपको कटा हुआ दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं कटे हुए भाग को, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपको कि सर ए है, बिल्कुल। अब ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। हमने कहा कि अगर मैं इस चालक तार का रेजिस्टेंस को, आंतरिक प्रतिरोध को बहुत अधिक मतलब ज्यादा बनाना है, इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ना चाहिए, बढ़ाने के लिए हमें लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ या ना। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करेंगे मतलब चालक तार को पतला बनाएंगे, और हम कहेंगे लंबाई को ज्यादा करना पड़ेगा मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो कम कर दिया लेकिन लंबाई जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मूविंग कॉइल होती है, जो मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। अब आपसे पूछ ले ऐसा क्यों बनाया जाता है, ताकि इसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हाई हो सके, बिल्कुल। जल्दी से नोट करिएगा बेटा, हाँ पतले तार अधिक टर्न का, बिल्कुल सुनील कुमार कोहली, बिल्कुल बिट्टू शर्मा बिल्कुल सही है, हाँ राजेश सैनी बिल्कुल मैक्सिमम बनाया जाता है। जल्दी से नोट करिएगा, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। बताइएगा यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बेटा। अभी हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर को डिजाइन करेंगे कि हमारा जो वोल्टमीटर होता है वो दिखता कैसे है, वो बनता कैसे है, उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं बेटा। एक भी क्वेश्चन अगर आपको यहां से बाहर से नहीं आएगा, आप अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। जितने बच्चे इतनी रात को अगर मेहनत कर रहे हैं तो यह मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाने वाली है बेटा, बिल्कुल। रात को जग के जो अभी पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब ये जो मेहनत आपकी है ये रंग जरूर लेके आएगी बेटा। अच्छे से नोट्स को बनाइएगा और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल। PGCIL के लिए भी बेटा पढ़ सकते हैं, टेक्निकल सारों के लिए सेम रहता है,
ठीक है ना, कोई भी अगर वैकेंसी है पीजीसीआईएल की वैकेंसी के लिए टेक्निकल बेटा बहुत जरूरी है, पढ़िएगा इसको बड़े ध्यान से। ओके अब चलते हैं आगे की ओर। हमने कहा सर हमें तो बनाना है वोल्टमीटर, चलिएगा वोल्टमीटर बनाते हैं। अब देखिएगा जो आपका वोल्टमीटर बनता है वो कैसे बनता है। हमने कहा सर दो कॉइल होती है, एक करंट कॉइल एक मूविंग कॉइल, या एक प्रेशर कॉइल एक फिक्स कॉइल, है ना, इन दोनों के दो दो नाम है आपको याद रखना है। हमने कहा कि सर सबसे पहले जो हमारी होती है वो हमने ली कौन सी कॉइल, करंट कॉइल। करंट कॉइल जो होती है ये मोटे तार कम टर्न की होती है और लोड के श्रेणी क्रम में लगी होगी, तो बेटा पहले ही हमने क्या कर दिया करंट कॉइल को मोटा बना देते हैं। करंट कॉइल ऐसे मोटी दिखाई देनी चाहिए आपको ताकि आप देखते ही पहचान जाओ कि हाँ ये सर करंट कॉइल होगी। ये लो ये हमारी कौन सी कॉइल है, करंट कॉइल है। देखो मोटी है कि नहीं है और कम टर्न है कि नहीं है आपको सर, बिल्कुल। लोड के किस क्रम में जोड़ी जाएगी, तो आपको सर लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है करंट कॉइल। ये हमारा यहां पर लगा हुआ लोड, ये लगा हुआ लोड, इस लोड के किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यहां से हमारा एक न्यूट्रल तार निकल रहा है, ये लो बेटा ये न्यूट्रल तार वापस आ गया। हमने कहा कि सर अभी हमारा ये तो करंट कॉइल हुई है अभी, या प्रेशर कॉइल हुई है, याद रखिएगा ये है हमारी करंट कॉइल। अभी हमारी दूसरी कॉइल भी तो बनानी है, कौन सी कॉइल, तो आपको कि सर मूविंग कॉइल, और मूविंग कॉइल जो होती है वो पतले तार और अधिक टर्न की होती है, चलिएगा उसको भी ड्रॉ करते हैं। हमने कहा सर मूविंग कॉइल जो होगी पतले तार अधिक टर्न की बनानी है, ये लो बेटा पतले तार अधिक टर्न दिखाई दे रहे होंगे और समांतर क्रम में जुड़ी होती है लोड के। समांतर क्रम का मतलब होता है पॉजिटिव, जो आपका फेज और न्यूट्रल दोनों में जो आपने वायर लगा दिया वो आपका समांतर क्रम में हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, वाट मीटर बन गया। ये हमारा बुक का डायग्राम है जिससे हमें कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है। अब हम वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमें चीजें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दे, हमें तो वो जरूरी है। चलिएगा ये तो आपको बुक में देखा होगा, और इस कॉइल को क्या बोलते हैं हम, तो आपको कि सर ये होती है मूविंग कॉइल, और यहां से हम क्या करते हैं इसको सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी होती है सप्लाई। आपने कहा सर ओके, ये टोटल क्या कहलाएगा आपका, तो ये टोटल कहलाता है वाटमीटर। और कौन सा वाटमीटर, इलेक्ट्रोडाइनमो टाइप वाटमीटर, जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करेगा, दोनों सप्लाई की पावर को मेजर करेगा, शक्ति को मेजर करेगा, ये मतलब शक्ति को मापेगा, करंट को मापेगा, वोल्टेज को मापने वाला है। अब देखिएगा जो हमें डायग्राम याद रखना है, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस साइज कर देते हैं, जो हमारे ये तो आता है आपके डायग्राम बुक में बना हुआ है, आपने बड़े अच्छे से इस डायग्राम को देख रखा है। अब जो हमें याद रखना है डायग्राम उसको चलते हैं। देखिएगा ये जो करंट कॉइल है, यहां पर हमने एक करंट कॉइल यूज की है, हम भी एक ही करंट कॉइल यूज करेंगे, लेकिन बेटा इसको दो बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। हमने कहा सर दूसरे डायग्राम में हमने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड क्यों किया, पहला तो दिमाग में यही आपके आ रहा है बेटा, दो बराबर भागों में डिवाइड करने का मतलब होता है कि यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र बने वो समरूप बने। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बने, इसीलिए बेटा मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया ताकि मैं चीजें आपको बड़े अच्छे से समझा पाऊं और जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। हमने कहा सर ये रेड वायर था मतलब फेज वायर था, बिल्कुल बेटा इनको फेज वायर में लिखिएगा। ये आपको अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यहां पर आपने करंट कॉइल दो ले ली है, दो नहीं ली है, एक ही करंट कॉइल है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया है। देखिएगा यहां पर कितने टर्न है, आपको सर दो लपेटे आ रहे हैं, यहां पर एक एक आ रहा है, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, आधी कॉइल को इधर रख दिया, आधी कॉइल को इधर जोड़ दिया है। दोनों कॉइल हमारी करंट कॉइल है, दोनों कॉइल हमारी लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। यहां पर क्या लगा हुआ है, लोड, लोड मतलब होता है भार। और जल्दी से कमेंट करके बेटा बताइएगा कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, भूल तो नहीं गए आप कहीं, लोड कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से जितने बच्चे वॉचिंग पे चल रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा लोड कितने प्रकार का होता है।
आपने कहा सर यहां से हमारा एक न्यूट्रल वायर निकलता है, ये लो न्यूट्रल वायर आ गया, ऊपर वाला फेज है। अब हमें मूविंग कॉइल को बनाना है। ये दोनों कॉइल जो बनी है ये हमारी करंट कॉइल है, इसके बारे में हम लिखाएंगे आपको। ये है हमारी करंट कॉइल, ये दो करंट कॉइल नहीं है, ये एक ही करंट कॉइल है जिसको दो भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। करंट कॉइल शॉर्ट फॉर्म में बेटा देखिएगा, इसको बोलते हैं सी से करंट और सी से कॉइल, इसे बोलते हैं सीसी। बिल्कुल, इसे हम क्या कह सकते हैं, सीसी, सी डॉट सी, सी का मतलब करंट, सी का मतलब कॉइल। अब हमें दूसरी कॉइल जो लगानी है वो लगानी है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल कैसे लगती है, बिल्कुल बेटा संजय, आरएलसी पवन, बिल्कुल आरएलसी, तीन प्रकार के लोड होते हैं, बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि लोड आपके तीन प्रकार के होते हैं, आरएलसी, रेजिस्टिव इंडक्टिव और आपका कैपेसिटिव। यहां पर आपका कोई भी लोड हो सकता है, आरएलसी, बिल्कुल जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, इसी प्रकार बेटा तैयारी करनी हमें लास्ट तक, ठीक है ना। अब देखिएगा आरएलसी होता है, लेकिन हमें अब कौन सा जोड़ना है इसमें, आपको सर मूविंग कॉइल तो लगाइएगा। अब मूविंग कॉइल को लगाते हैं, और मूविंग कॉइल को हमेशा जो सप्लाई मिलती है ना वो बेटा किस से मिलती है, तो आपको याद रखना है मूविंग कॉइल को सप्लाई स्प्रिंग के माध्यम से दी जाती है। किसके माध्यम से, स्प्रिंग के माध्यम से। चलिएगा हम यहां पर एक स्प्रिंग, यहां से जोड़ा वायर को इधर लेके आए और यहां पर आपका एक स्प्रिंग लगा दिया। ये क्या लगा दिया बेटा, स्प्रिंग। और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा स्प्रिंग किसका बना होता है, ये बेटा स्प्रिंग किसका बना हुआ है, कौन सी धातु का बना होता है और किस प्रकार का स्प्रिंग होना चाहिए। ये स्प्रिंग आपने लगा दिया। इस स्प्रिंग को लगाने के बाद में हमें यहां पर एक कॉइल को लगाना है जो आपकी अधिक टर्न और पतले तार से बनी हुई है। इसको थोड़ा सा डायग्राम हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये लो बेटा आपको दिखाई दे रही होगी पतले तार और अधिक टर्न की हमने बना दी है। ये कॉइल कौन सी हो गई, आपको कहे सर ये कॉइल हो गई हमारी मूविंग कॉइल हो गई। कौन सी कॉइल हो गई, मूविंग कॉइल हो गई। इस मूविंग कॉइल को नीचे भी सप्लाई किससे देनी होती है, स्प्रिंग से। बेटा यहां पर लगा हुआ स्प्रिंग, ये लो यहां से जोड़ दिया, ये है हमारा स्प्रिंग। अब देखिएगा स्प्रिंग के दो काम हो गए यहां पर। एक तो स्प्रिंग क्या काम कर रहा है कि फास्ट पोस्ट ब्रोंज का, बिल्कुल बेटा फास्ट पोस्ट ब्रोंज का बना होता है, संजय कुमार, बिटू शर्मा, बिल्कुल हाँ बिटू शर्मा, फास्ट पोस्ट ब्रोंज का बना होता है मूविंग कॉइल, विकास जीनवाल, बिल्कुल बेटा मूविंग कॉइल हो गई। स्प्रिंग हमारा किसका है, फास्ट पोस्ट ब्रोंज का बना हुआ है। मूविंग कॉइल को सप्लाई किससे दी जाती है, इलेक्ट्रोडायनामोटाइव वॉट मीटर में, तो आपको याद रखना है स्प्रिंग के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपकी मूविंग कॉइल होती है, इसी मूविंग कॉइल पर बेटा हमें एक पॉइंटर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, पॉइंटर को। बेटा ये हटा दें क्या, ये आपको समझ में तो आ रखा है कि आपकी करंट कॉइल है ना। चलिएगा हमें जो काम करना है वो करते हैं। हमने कहा कि यहां पर एक पॉइंटर को जोड़ते हैं। ये मूविंग कॉइल मतलब घूमने वाली कॉइल कौन सी है, ये वाली जो ज्यादा टर्न की बनी हुई है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर को लगा दिया। ये हमारा हो गया बेटा कौन सा, पॉइंटर। पॉइंटर मतलब सुई, और ये सुई जो होती है यहां पर लगा होता है एक स्केल, इस स्केल पर लगा दी है। हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल स्केल पर लगा दिया है पॉइंटर को। ये हमारा मीटर बनकर रेडी हो गया। इस मीटर का डायग्राम को याद रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रोडाइनमो टाइप वोल्ट मीटर है। एसी सप्लाई देना चाहो तो एसी दो, नहीं डीसी देना चाहो तो डीसी दो, दोनों सप्लाई पर आपका ये वर्क करने वाला मीटर है, बिल्कुल। अब मेरे को यूं बताइएगा, ये तो काम हो गया सर, अब हमें ये पता चला कि सर ये मूविंग, ये तो मूव करेगी, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क तो आ गया, मतलब पॉइंटर आपका जीरो स्थिति से तो बेटा उठेगा, ये मैक्सिमम स्थिति तक आएगा। पहले तो बेटा देखिएगा ऊपर वाले डायग्राम को ड्रॉ करके हटा दीजिएगा, इसको अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है ना। यहां से हमने कहा जीरो पॉइंटर से उठेगा और मैक्सिमम तक आएगा,
यह तो हमें पता चला, जिससे हमारा टीडी मतलब विक्षेपण बल पैदा हो गया, डिफ्लेक्शन टोरक पैदा हो गया। अब यह बताइएगा कि बेटा इस डिफ्लेक्शन, इस पॉइंटर ऊपर तो जा रहा है, लेकिन पॉइंटर को जब हम सप्लाई बंद कर देंगे तो पॉइंटर वापस जीरो पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आपको सर आना चाहिए। अब आने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क भी तो लगाना पड़ेगा। जब कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क के जस्ट उल्टा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा आपको कि सर लगेगा? जब ये लगेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उल्टा लगाया जाता है तो पैदा किससे किया जाता है? तो आपको कि सर ये स्प्रिंग किसके लिए लगाए गए थे? ये कंट्रोलिंग टॉर्क के तो लिए लगाए गए थे। ये स्प्रिंग क्या काम करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामोटाइप वॉटमीटर में जो स्प्रिंग होता है उसके दो काम होते हैं, सुनिएगा कौन कौन से। एक तो मूविंग कॉइल को सप्लाई देने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य यह है कि पॉइंटर को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। समझ में आया? अब मेरे को यूं बताइएगा कि जब आपका एक पॉइंटर है, बल लगा रहे हो दो, एक पॉइंट, एक तो बल लगा रहे हो कि पॉइंटर जीरो से उठ जाए, दूसरा लगा रहे हो पॉइंटर जीरो पर आ जाए। तो जब एक पॉइंटर पर दो बल लगेंगे तो यह पॉइंटर आपका क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। इस कंपन को रोकने के लिए, हमें एक अवमंदन बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा? अवमंदन, जिसे हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। बेटा चलो डैम्पिंग टॉर्क को लगा के दिखाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगता है। तो हमने कहा कि इसी पॉइंटर पर डैम्पिंग टॉर्क को लगाना है। इस पॉइंटर को आगे बढ़ाइएगा, बढ़ा दिया आगे। इस पर बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम की डिस्क लेंगे जो सबसे हल्की होती है, इसीलिए हमने एल्युमिनियम की डिस्क लेते हैं। ये लो बेटा एल्युमिनियम की आपकी डिस्क हो गई। देखिएगा डायग्राम बनते ही है ना, एक एक क्वेश्चन आप वोल्टमीटर का सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। आपने कहा सर एल्युमिनियम की डिस्क लगा दी, लेकिन इस एल्युमिनियम की डिस्क को एक बंद पात्र या क्लोज चैम्बर में बंद कर दिया। इस क्लोज चैम्बर के अंदर हमें संपीड़ित वायु को भरना होता है। किस वायु को भरना होता है बेटा? तो आपको कि सर संपीड़ित वायु को भर दिया, हाँ या ना? तो ये हो गई हमारी कौन सी, कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित वायु हो गई। और बेटा ये जो आपने लगा रखी है ये क्या है? तो आपको कि सर ये है एल्युमिनियम की डिस्क, हाँ या ना? यह है AL, एल्युमिनियम डिस्क लगा दी। इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। करण यादव सर जी राम राम, बिल्कुल बेटा राम राम। विकास यादव ओके। अब देखिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। तो इसको नोट करिएगा, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। ये लो लिख दिया, एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग टॉर्क, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। अब देखिएगा अगर ये डायग्राम ही याद है ना, तो बेटा आधे से ज्यादा वोल्टमीटर के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे? क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपका मूविंग कॉइल बनी कैसे होती है। तो आप कहोगे सर मूविंग कॉइल जो बनी होती है ज्यादा टर्न पतले तार से बनी होती है। करंट कॉइल कैसी दिखाई दे रही है? तो आपको कि सर मोटे तार कम टर्न की बनी होती है। करंट कॉइल लोड के किस क्रम में लगी होती है? तो आपको कि सर करंट कॉइल लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो आपकी मूविंग कॉइल लोड के किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। दूसरी बात अगर पूछ लिया जाए कि बताइएगा मूविंग कॉइल को सप्लाई किससे दी जाती है, याद रखना स्प्रिंग के द्वारा दी जा रही है, दिखाई दे रही होगी बेटा, है ना? तीसरा को आगे का क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि यूं बताइएगा कि आपके पॉइंटर किस पे लगा होता है, तो मूविंग कॉइल पर लगा होता है। ध्यान से सुनना, पॉइंटर कहां पर लगा? मूविंग कॉइल पर लगा हुआ है। जब मूविंग कॉइल पर लगा हुआ है तो यहां से बल कौन सा पैदा होगा? टीडी, डिफ्लेक्शन टॉर्क तो पैदा हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग का कार्य कौन करता है? स्प्रिंग करता है। कौन करता है? स्प्रिंग करता है।
दूसरा अगर बात करें कि स्प्रिंग का दूसरा काम क्या होता है, तो आपको कि सर मूविंग कॉइल को सप्लाई भी दे रहा है। स्प्रिंग बना किसका होता है? फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। इसमें पूछ ले कि जब आपके दोनों ही बल लग रहे हैं, टीसी टीडी तो आपने लगा दिए, लेकिन पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है, उस टाइम कौन सी अवमंदन प्रणाली यूज करेंगे? वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली हम यूज करते हैं बेटा। आधे से ज्यादा मीटर इस डायग्राम से सॉल्व हो जाता है, इसको नोट कीजिएगा बड़े अच्छे से। आगे चलते हैं बिश्नोई। बिल्कुल बेटा निवन प्रणाम, बिल्कुल। स्केल का अधिकतम मान कितना होता है विकास जीनवल? बेटा धैर्य रखिएगा, चीजें एक एक करके बताऊंगा। अभी तो आपको यह भी नहीं बताया कि डिफ्लेक्शन टोरक का मान कितना है। डिफ्लेक्शन टोरक का मान निकाल के देखेंगे, कंट्रोलिंग टोरक का मान निकाल के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सर यहां पर इसका मैक्सिमम पैमाना कितना होता है, मैक्सिमम पैमाना कितने एंगल पर होता है, पैमाना क्या रेखीय है या अरेखीय है, कैसा होता है, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं यार अभी तक। सबसे बड़ा मीटर है ये, इसे बहुत ध्यान से सुनना है। और इसमें अभी तक तो हमने जो पावर मेजर कर रहे हैं, पावर आपको कितने प्रकार की बता रखी है बेटा, कमेंट करके बताना, जल्दी जल्दी साथ साथ में नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है ना। दो तीन क्वेश्चंस मैं भी आपसे पुटअप कर लेता हूं, ताकि ये पता चल सके मेरे को कि जो चीजें पहले हमने पढ़ रखी है वो आपको याद है। जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कि पावर कितने प्रकार की होती है, ताकि हम अभी क्या कर रहे हैं इससे पावर ही मेजर करनी है, तो बताइएगा पावर कितने प्रकार की होती है। पहले पावर कितने प्रकार की होती है वो पता करें, फिर हमें यह पता करना है कि यार ये जो मीटर अपन ने बनाया है ये कौन सी पावर मेजर कर रहा है। इसको भी तो बेटा पावर मेजर करने के लिए कौन सी पावर वो मेजर करेगा उसका नाम तो पता होना चाहिए। पवन प्लस कह रहे हैं सर तीन प्रकार की पावर होती है। बेटा नाम लिख के बताइएगा ना कौन कौन सी पावर होती है। इतने सारे बच्चे लाइव चल रहे हैं फिर भी आपका कमेंट बड़े धीरे धीरे आ रहा है। राजेश सैनी तीन, ना पावर तीन प्रकार की होती है, बिल्कुल बात सही है। नाम बताओ बेटा इसका, कौन कौन सी पावर होती है, जल्दी से नाम बताइएगा कौन कौन सी पावर होती है, पावर का नाम बताइएगा, पावर टाइप। सर अब देखिएगा पावर जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक शक्ति, जो प्रतिरोध खपत करता है वो कहलाती है वास्तविक शक्ति। हाँ रियल पावर, सुनील कुमार बिल्कुल कोली, रियल पावर जो प्रतिरोध खपत करता है, रियल पावर हिंदी में कहते हैं वास्तविक शक्ति। दूसरी आती है रिएक्टिव पावर, जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर खपत करता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब प्रेरक कुंडली और संधारित्र जो खपत करता है उसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और तीसरी आती है रियल पावर और रिएक्टिव पावर जो टोटल पावर का सम कर दें वो होती है एपरेंट पावर। तो ये बताइएगा इन तीनों पावर में से ये कौन सी पावर मेजर करेगा, ये जो मीटर लगा हुआ है ये कौन सी पावर को मेजर करेगा। तो आपको बता दूं कोई भी अगर मीटर हो और वो शक्ति का मापन कर रहा हो, नहीं देखिएगा पवन कह रहे हैं एपरेंट पावर को करेगा मतलब टोटली पावर को करेगा, इसके अलावा सुनील कुमार कह रहे हैं रिएक्टिव पावर को करेगा। सभी बच्चे एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैंने आपको पढ़ाया भी था जब ऐसी फंडामेंटल पढ़ रहे थे ना, जब पावर को आपको तीन प्रकार की बताई थी मैंने, तब मैंने कहा था कि आगे चल के हम जब पावर को मेजर करेंगे तो कौन सी पावर को मेजर करेंगे। विकास जिनवाल रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ठीक है बेटा तीन प्रकार की पावर होती है। सुनील कुमार कोहली कह रहे हैं कि एपरेंट पावर को मापेगा। बिट्टू शर्मा कह रहे हैं रियल पावर को मापेगा। सुनील कुमार कोहली कह रहे हैं कि रियल पावर को मापेगा, वास्तविक शक्ति को मापेगा। वो रियल पावर और वास्तविक शक्ति एक ही बात होती है बेटा, ठीक है ना। राजेश सैनी रियल पावर को मापेगा, विकास जिनवाल रियल पावर को मापेगा। बिल्कुल हमारा कोई भी मीटर हो वो हमेशा आपकी वास्तविक शक्ति का मापन करता है, याद रखना है। ये बेटा वास्तविक शक्ति का मापन करेगा, ये तो चलो अच्छी बात आ गया, लेकिन ये मीटर हमारा करंट भी मापेगा और वोल्टेज भी मापेगा, दोनों मापेगा ना, करंट वोल्टेज पावर तीन मापता है। तो पावर का तो पता चल गया कि वास्तविक शक्ति मापेगा। अब बताइएगा जब ये करंट मापेगा और वोल्टेज मापेगा उस टाइम करंट और वोल्टेज का कौन सा मान मापता है, ये भी कमेंट करके बताइएगा, फिर अपन चलते हैं आगे। इतने में बेटा आपका ये मीटर भी क्या हो रहा होगा, नोट आपने कर लिया होगा। तो जल्दी से कमेंट करके एक और बता दीजिएगा कि बताइएगा ये जब करंट और वोल्टेज मापेगा तो कौन सी वैल्यू को मापेगा, करंट का कौन सा मान मापता है, वोल्टेज का कौन सा मान मापता है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा बिट्टू शर्मा, बेटा मेहनत आपको करनी है, मेहनत करवाने के लिए उत्कर्ष आपके साथ में है,
आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम उत्कर्ष का है, बस मेहनत आपको करनी है। रात को राइट 9 बजे लाइव आपको आना है, नोट्स आपको तैयार करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवा सकता हूं, मैं आपको सिलेबस करवा सकता हूं, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। क्या बात है, बिटू शर्मा, विकास जिनवाल, राजेश सैनी, रिक्की, सभी को याद रखना है। जो बच्चे कॉमेंट नहीं कर रहे उनको बता दो, संजय बिल्कुल एवरेज। ओ नहीं बेटा, एवरेज कभी भी नहीं मापता। हमारा एमीटर वोल्ट मीटर, या फिर हमें कभी भी करंट मापनी हो या वोल्टेज मापनी हो, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू मापी जाती है, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। सुनील कुमार कोहली बिल्कुल सही है, पवन प्लस संजय इलेक्ट्रोस, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है ना? अब चले बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, एक जरूरी सूचना बेटा आप सभी के लिए, उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस। ये जो ऑनलाइन बैच है, ये आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच होते हैं, जिनमें आप घर बैठकर एक ऑफलाइन क्लास जैसा फील करने वाले हो। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको धीरे धीरे यहां पर पढ़ाया जाता है। आपको इसी लाइव फ्रॉम क्लासरूम में मिल जाती है पैनल पीडीएफ, ई बुक, मॉक टेस्ट और प्रॉब्लम क्लास आपको मिल जाती है। साथ साथ में आप बात करें हम ऑफलाइन बैच की, ये बेटा जो ऑफलाइन बैच है ये सभी ट्रेड के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, केवल जयपुर सेंटर पर स्टार्ट हुए हैं, जो अर्ली मॉर्निंग 7:30 पर स्टार्ट हो रखे हैं। सुबह मुहूर्त में 7:30 में आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए ऑफलाइन बैच जो है सभी ट्रेड के लिए स्टार्ट हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ बेटा, इलेक्ट्रिशियन हुआ, फीटर हुआ, डीजल हुआ, मैकेनिकल हुआ, इन सभी के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए। इन ऑफलाइन बैच में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी मिल जाता है, साथ साथ में आपके फैकल्टी के प्रिंटेड नोट्स भी यहां मिल जाते हैं, डाउट सेशंस क्लास मिल जाती है, प्रॉब्लम क्लास आपको मिल जाती है, और साथ साथ में आपको वीकली एक सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको मिल जाता है, जो आपको एक रियल एग्जाम की फील करवाने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 9773-366-871 पर कॉल कर आप पूछ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं तो हिंडौन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास जयपुर आकर ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे थे बेटा किस मीटर की, तो आपको सर इलेक्ट्रोडायनामोटाइव वोट मीटर की। अब 2-3 बातें हम उसमें नोट करते हैं। अच्छा ओके, चलें बेटा। अब देखिएगा, 2-3 चीजें आपको बता दें जो हम इलेक्ट्रोडायनामोटाइव वोट मीटर में याद रखना है। पहला एरो डाल के लिखिएगा इलेक्ट्रो डायनामोटाइप वोट मीटर। वोट मीटर यह तो हमने पहले ही लिख दिया था आते आते ही, हालांकि दोबारा लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोडायनामोटाइव वोट मीटर एसी और डीसी सप्लाई की पावर, मतलब शक्ति, करंट वोल्टेज को मापन, मतलब मेजर करता है। बिल्कुल ये बातें याद रखनी बेटा, आप जब भी क्वेश्चंस करोगे ना तो ये आपको दिखाई देगा। थैंक यू विकास जिनवाल, बस पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है ना? आगे चले, करंट वोल्टेज का मापन करता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर अगर और क्या आ जाए, अगर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रो डायनामो टाइप वाट मीटर वास्तविक पावर, पहले तो लिखिएगा इंग्लिश में रियल पावर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक शक्ति का मापन करता है। बिल्कुल। तीसरा याद रखिएगा, तीसरी लाइन और याद रखनी है,
आपको पता है ना कि वास्तविक शक्ति क्या होती है? वह शक्ति जो प्रतिरोध खपत करता है वास्तविक शक्ति कहलाती है। चलिएगा पहले इसके फॉर्मूले सब कुछ लिखवा देते हैं क्योंकि डाउट हमारा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है ना। पावर आया है वर्ड, तो देखिएगा रियल पावर का मतलब होता है वास्तविक शक्ति। रियल पावर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक शक्ति। सब चीजें देखेंगे जल्दी से कमेंट करके बेटा, जिन बच्चों को पता है बताएंगे कि वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है। दो कमेंट करके बताइएगा किन किन बच्चों को पता है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा कि आपकी वास्तविक शक्ति क्या होती है। वह शक्ति या वह पावर है जो प्रतिरोध खपत करता है, प्रतिरोध खपत करता है वास्तविक शक्ति कहलाती है, वास्तविक वास्तविक शक्ति कहलाती है। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने कमेंट कर लिया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। रेजिस्टेंस जिसका खपत करता है, बिल्कुल बेटा ये तो पता है, लेकिन आपको मैंने फॉर्मूले के लिए बोला था और इकाई के लिए बोला था। एग्जाम में फॉर्मूला और इकाई ही पूछी गई है, ये कभी नहीं पूछा गया कि कौन सी पावर होती है, वास्तविक शक्ति कौन सी होती है, आज तक एग्जाम में नहीं आया। हमें याद रखने के लिए पता करना है कि जो प्रतिरोध खपत करता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, उसको कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले कौन सा बच्चा कमेंट करता है देखते हैं। यूनिट वॉट होती है, बिल्कुल बीटू शर्मा, यूनिट वॉट होती है, लेकिन अब फॉर्मूला सुनिएगा। वास्तविक शक्ति को हम हमेशा पी के द्वारा डिनोट करेंगे और फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई। बेटा फॉर्मूला याद रखना, आगे चल के कल ही आपका ये फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि अभी हमने वॉटमीटर को तो कंस्ट्रक्शन देखा है, अभी चीजें बहुत सारी आपकी बाकी पड़ी है। इस वॉटमीटर में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सी पावर मेजर करता है, तो ये पावर जो मेजर करता है ना वी आई कोस फाई करेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोडाइनमोटाइप वॉटमीटर। हमने कहा पी बराबर वी आई कोस फाई करता है, लेकिन इसकी यूनिट, यूनिट का मतलब होता है बेटा इकाई, इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है के डब्लू, के डब्लू का मतलब होता है किलो वाट, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं वाट होती है। बिल्कुल जल्दी से नोट करिएगा, थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं, थोड़ी बातें और भी डिस्कस करते हैं इसी से लेके। अब देखिएगा, हमने कहा सर ये तो चलो हो गया कि एसी डीसी की पावर मापता है, तो पावर वास्तविक शक्ति मापता है, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला ये होता है, वास्तविक शक्ति की यूनिट ये होती है, है ना, हाँ किलोवाट, बिल्कुल विकास जिनवाल। आगे देखिएगा, हमने कहा कि एक चीज और लिखते हैं, हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रो डायनमोटाइप वॉटमीटर, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉटमीटर मीटर करंट, करंट जानते हो ना बेटा, ये तो करंट क्या होती है, धारा, करंट और वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज का आरएमएस फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, ठीक है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रो डायनमोटाइप वॉटमीटर करंट और वोल्टेज का आरएमएस वर्ग माध्य मूलमान, आरएमएस वैल्यू का मापन करता है।
आज यही चीजें जो आपको पढ़ाई थी वो बेटा हमने यहां पर एक एक करके नोट की है। फाई का सिंबल नहीं मिला, मतलब सिंबल मिला नहीं, अच्छा अच्छा फाई, अच्छा जो आप पावर डिनोट कर रहे थे पी इक्वल वी आई कॉस फाई, फाई की जगह बेटा आप थीटा भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहां अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये जो हमें जब कमेंट करते टाइम वो जो फाई होता है ये फाई आपको मिल नहीं रहा था, तो बेटा इसकी जगह है ना ये जरूरी नहीं है कि फाई लिखे, आप इसकी जगह ना थीटा भी लिख सकते हैं बेटा, कोस थीटा, थीटा जानते हो ना ये वाला, ये भी लिख सकते हैं। ओके हंसराज शर्मा, बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिशियन का पूरा जो सिलेबस है वो आपका कहां पर होने वाला है, YouTube पर आपको मिल जाएगा। जैसे हमने YouTube पे बेटा सभी बच्चे जो हमारे साथ में शुरू से जुड़ रखे हैं उन सभी बच्चों को पता होगा कि पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को कंप्लीट किया था, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से आपको वो समझ में आया होगा। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था एसी फंडामेंटल, उसको बड़े डिटेल में हमने देख लिया था। अब हमारा मेजरमेंट चल रहा है, आगे चल के हम वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे, फिर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट जो है वो यहां पर आपको रात को मंडे टू सैटरडे जो आपकी क्लास होती है यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ये अगर आपको सेशंस मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये जो आपका परिवार है उत्कर्ष परिवार, इसको हमें और अधिक बड़ा परिवार बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार को हम बहुत बड़ा परिवार बना सके। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आगे के जो इलेक्ट्रोडायनामोटाइप वोल्टमीटर है आगे के टाइप्स में मिलेंगे। तो यहां तक तो बस बेटा ये जो मीटर जितना पढ़ाया हुआ है उसको आप थोड़ा सा याद करके जरूर आइएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें हमारी बहुत काम की होने वाली है। तो आज बेटा यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्लास को, तो मिलते हैं बेटा कल रात 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।